नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के वरीय सदस्यों को सदस्यता की रसीद देकर के राजद के सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी के साथ देश भर में राजद की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि पार्टी ने सांगठनिक चुनावों को लेकर के निर्वाचन पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी है। पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर तनवीर हसन को बिहार प्रदेश राजद का राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चित्रंजन गगन ने बताया कि पार्टी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी ने राजेंद्र गुप्ता को पश्चिम बंगाल का राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और एसके सिंह को सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया है। तुषार कंडारे को महाराष्ट्र का राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और हरीश जावले को सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, मोहम्मद अकबर अली खान को मुंबई प्रदेश का राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और विजय कांबले को सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, भारत भूषण को जम्मू कश्मीर का राज्य निर्वाचन पदाधिकारी और रघुवीर कुमार को सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत किया गया है। इधर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि एक दिन में 5 लाख सदस्य बनाना था, लेकिन पार्टी का दावा है कि संख्या इससे अधिक हो गई। राजद प्रमुख ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य देते हुए सभी को इसे पूरा करने का निर्देश भी दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सदस्यों को अपनी जवाबदेही भी जाननी होगी, इसका निर्वाह पूरी ईमानदारी से करना होगा। राजद राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए इसके सदस्यों की संख्या भी सबसे अधिक होनी चाहिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि राजद ने फिलहाल 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 1,000 रुपया देकर के पार्टी के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। सक्रिय सदस्यों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कम से कम 25 सदस्यों को सक्रिय रूप से पार्टी से जोड़ें। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए ट्रेंडिंग बिहार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।